नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दही वाली चटनी सिखाने वाली हूँ। जब हम कोई भी स्टार्टर मंगाते हैं या कबाब मंगाते हैं, उसके साथ में ये चटनी दी जाती है। मैं आपके साथ में इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी आप घर पे बना पाएंगे। तो चलिए दही वाली चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसके अंदर मैं 4 तीखी वाली हरी मिर्च डाल रही हूँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। आप अपने इच्छा अनुसार मिर्ची कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप पुदीना ले रही हूँ। पुदीने को साफ करके मैंने धो के रखा है। अब मैं इसमें 1/4 कप धनिया डाल देती हूँ। हमें धनिया पुदीने से थोड़ा सा ज्यादा लेना है। धनिया को भी मैंने साफ करके धो के रखा है। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। हमें थोड़ा नमक सावधानी पूर्वक डालना है क्योंकि हम इसमें काला नमक भी यूज करने वाले हैं। 1/4 टीस्पून काला नमक। काला नमक रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। आप अगर इसको डालेंगे तो चटनी बहुत ही लाजवाब बनेगी। अब मैं इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल रही हूँ। मैं 1/2 कप दही ले रही हूँ। दही के साथ में जो पानी होता है वो भी मैंने ले लिया है। मैं ये चटनी थोड़ी सी पतली बनाती हूँ। अगर आपको ये चटनी गाढ़ी चाहिए तो आप इसका पानी मत यूज कीजिए, सिर्फ दही ही डालिए। वन फोर्थ टी स्पून शक्कर, ये ऑप्शनल है मगर चटनी के अंदर शक्कर डाली जाती है, बहुत ही साइलेंट टेस्ट होता है इसका। 1 टीस्पून नींबू का रस। अब हम सारी सामग्री को चर्न कर लेंगे। हमें चटनी को पल्स मोड पे ऑन और ऑफ करते हुए पीसना है, आप इसे कंटिन्यूस ग्राइंड ना करें। चटनी को थोड़ा ग्राइंड करने के बाद में हम इसे चेक कर लेते हैं और इसे हम चम्मच की सहायता से स्टर कर लेंगे। एक बार इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर वापस ग्राइंड कर लेंगे। हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। वाओ दोस्तों, ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताती हूँ, मैं हमेशा इसी प्रकार की बनाती हूँ। मैं अब चटनी को एक बोल में निकाल लेती हूँ। मैं हमेशा इस प्रकार की कंसिस्टेंसी की चटनी बनाती हूँ। अगर आपको ये चटनी थिक चाहिए तो आप बिल्कुल भी दही का पानी यूज ना कीजिए, प्योर दही यूज कीजिए तो आपको थिक चटनी मिलेगी। रेस्टोरेंट स्टाइल दही वाली चटनी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को कबाब के साथ में, कोई भी स्टार्टर के साथ में सर्व कर सकते हैं। रोटी पराठा सबके साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इस रेसिपी को बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।